कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। यार देखो यार, अभी मैं फिलहाल कोटा जंक्शन पर ही हूँ और 12 बजने को है, 12 बज चुकी है यार। फिलहाल हमारी ट्रेन लगने वाली है, तो गाइस बने रहना हमारे इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। भाई लोकेशन है आगरा, तो हम चल रहे हैं आज आगरा। और इसी के साथ हमारे साथ है मोदिन भाई, ब्लॉगिंग चल रही है। चल चुके हैं कोटा जंक्शन से, मिलते हैं हम डायरेक्ट अगले जंक्शन पर। यार अभी तक बैठे हैं ट्रेन के अंदर, हमारे साथ मोदिन भाई। हमारे साथ मोदिन भाई है, फिलहाल चल रही है ट्रेन, खड़े हैं अभी गेट के यहाँ, दूर है सेफ्टी से। कैसे देखते हैं यार, आज का आगरा का टूर काफ़ी लंबा हो चुका है यार। ट्रेन छूट गई, अपने दोस्त आगे निकल चुके हैं, फिलहाल उनसे मिल लेंगे हम। नो टेंशन रही है और मेरे ब्लॉग के साथ बने रही है गाइस। लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो, और नहीं लगे तब भी कर देना प्लीज़ यार गाइस। और जब जल्द से जल्द मेरे 100 सब्सक्राइब कराओ, 100 सब्सक्राइबर वाला मैंने केक काटेंगे, केक कट होगा, केक कटने के बाद जैसे जैसे धीरे धीरे पोस्टिंग बढ़ती रहेगी, जैसे जैसे अपन केक भी कट करते रहेंगे, जैसे कि 100 पे केक कट होगा, 500 पे होगा, 1000 पे होगा। तो गाइस भी सपोर्ट करो यार अपने भाई को। मिलता हूँ नेक्स्ट लोकेशन पर। तो गाइस मैं फाइनली आगरा पहुंच चुका हूँ यार। फिलहाल हम नहाएंगे धोएंगे, फ्रेश फ्रेश होएंगे पहले, उसके बाद हम जाएंगे ताजमहल देखने। फिलहाल अभी हमारे फ्रेंड्स से मिलने चल रहे हैं हम। ये है तो आगरा, कैसा लगा यार यहाँ का माहौल? मेरे जैसे थोड़ा यहाँ पे हरियाली बहुत अच्छी लगी, यहाँ पे हरियाली बहुत है। बाकी कचरा वचरा तो होता रहता है, देखो हर जगह होता है कचरा, कचरा कहाँ नहीं होता। फिलहाल तो पूरी नाइट निकल चुकी है यार, मॉर्निंग हो चुकी है सर। सुबह आप देख सकते हो टाइम, तो गाइस बने रहिए मेरे इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। अभी मैं मिलता हूँ अपने फ्रेंड को, उनको पता नहीं है कि हम आगरा आ चुके हैं, उनको ये पता है कि हम अभी मथुरा में ही हैं। उनको बताया कि हमारी ट्रेन लेट हो गई, फिलहाल देखते हैं उनको शॉक दे देते हैं, मज़ा लेगा। तो गाइस फाइनली आगरा स्टेशन पर हम पहुँच चुके हैं, हमारे साथ मोदिन भाई भी हैं। तो मोदी भाई कैसा लगा आपको यहाँ क्या यहाँ पे आके? बढ़िया लगा, बढ़िया लगा है। तो फिर देखते हैं कि आगे क्या है। फिलहाल तो अभी उनको सरप्राइज देना है कि अपन आगरा काउंट आगरा काउंटी में पहुँच चुके हैं। उधर ही चलो, उधर चलो, उधर चलो। चलते हैं हमारे फ्रेंड्स के पास, वो है आगरा फोर्ट पर। तो फोर्ट पर मिलते हैं हम गाइस, देखते हैं उनका क्या रिएक्शन होता है हमें देख कर। तो गाइस मैं आ चुका हूँ आगरा फोर्ट। फिलहाल यहाँ का सीन देखो यार कितना प्यारा है। फिलहाल हम सोनू भाई, यस और राहुल को, तीनों को ढूंढ रहे हैं, देखते हैं कहाँ मिलेंगे। कहने का लटक रही हूँ मैं तो, देखते हैं कहाँ मिलता है। इधर तो नहीं लग रहा भाई, झूम रहे हूँ, मुझे लग रहा था 5-5 रुपये। हालांकि हम पहुँच चुके हैं किले के पास में, और हमारे साथ ही इसी के साथ ही हमारे दोस्त वापस मिल गए हमें, खूब गालियाँ दी उन्होंने पहले तो, उसके बाद ही माने हैं कि हमें पागल बना दिया तुमने, पर हमने पागल नहीं बनाया था यार। लास्ट एंड फाइनल 1 मिनट के चक्कर में ट्रेन रह गई थी, तो चलो कोई बात नहीं, हमने मॉर्निंग में बोल दिया था इनसे, बात है कि 7 बजे के पहले तुमसे मिल जाऊँगा, और मैं 7 बजे के पहले इनको सब रह दिए मैंने मिलकर। फिलहाल हम जा रहे हैं अभी आगरा का ताजमहल देखने, तो गाइस मिलते हैं यार ताजमहल के सामने। करने को मिलेगा।
अंदर है फोर्ट, और हम चलते हैं सबसे पहले ताजमहल। तो गाइस बने रहिए मेरे इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ यार, मिलते हैं और दोस्तों के साथ मजे और इन्जॉय करते हैं। और हाँ, ये जो मेरे ब्लॉग है अब पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री के अकॉर्डिंग आएंगे। तो गाइस बने रहिए और देखते रहिए मेरे ब्लॉग को और सपोर्ट करते रहे गाइस। ताज पश्चिमी गेट, वाटर वाव। गाइस क्या प्यारा तिरंगा लगा रखा है यार, मजा आ गया। ये पश्चिमी गेट है यहाँ का। फिलहाल इधर मोदिन भाई फोटो शूट कर रहे हैं, तो मैं भी फोटो शूट करा लेता हूँ एक मिनट। तो गाइस फिलहाल हम आ चुके हैं किले के मेन गेट पर, और यश बोल रहा है कि मेरी सेल्फी ली जाए। सोनू भाई फुल गुस्से में लग रहे हैं। और यो यार देखो यार, हम पहले इधर आ गए फोर्ट में। देखो यार इधर का माहौल बहुत अच्छा है, क्या प्यारा सीन है यार। हम फोर्ट के अंदर है फिलहाल, हमने पहले फोर्ट चुना, पहले फोर्ट में चले। वो इधर भाई सारे वीडियो शूट करने लगे। तो इस देखो यार कितना प्यारा सीन है। राहुल भाई तेरी शादी यही करूँगा, 100% श्योर हुआ है। कैसा लगा तेरे को ये यहाँ पे माहौल? अरे यार एक नंबर लग रहा है यार माहौल ही, ठीक है ना? ठीक है। तो अपने भाइयों को बता दो कि भाई अच्छा है भाई हमारा पिकनिक ट्रिप, अच्छा लगा बहुत ज़्यादा यार। बस वो थोड़ी सी मिस्टेक हुई, कल नहीं आ पाए हम, ट्रेन छूट गई, बस वो छोटी सी मिस्टेक हुई। वो तो बहुत बड़ी मिस्टेक थी, वो छोटी सी मिस्टेक हुई, बाकी अदरवाइज हाँ फोटो शूट करो आप बेकायदा करो यार। तो गाइस देखो यार कैसा लग रहा है सीन। फिलहाल यहाँ का माहौल बहुत ही शांत है और अच्छा है। गाइस चेक करो यार कितना प्यारा सीन है यार, पहले राजा महाराजा यहाँ रहते थे। गाइस देखो यार ये फर्स्ट पार्ट है इसका, सेकेंड पार्ट लोकेशन बताऊँ या नहीं बताऊँ? आप तो मेरी फैमिली फैमिली से कह सको ना। हमारी सेकेंड लोकेशन होगी दिल्ली। फिलहाल आज की लोकेशन है अपनी एक तो आगरा फोर्ट और दूसरी ताज महल, और हमारे भाई लोग अभी तक फोटो शूट कर रहे हैं। इनको ट्रिप काफ़ी अच्छी लगी ऐसा बताया इन्होंने। बस यार थोड़ी सी मिस्टेक होगी मेरे आज से कल। देखते रहो यार बने रहो इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। Yeah.
ताजमहल का हो जाएगा। ऐसा कुछ करते हैं वरना काफ़ी बड़ा व्लॉग होने वाला है आज। तो जैसे कि जानते हो यहाँ पे जहांगीर नाम के राजा राज करते थे और ये उनका शाही कुंड कहलाता है। इसकी प्रतिमा तो ये इनका शाही कुंड है फिलहाल। इसके जस्ट पीछे राजमहल की तरह लग रहा है यार फिलहाल, ऐसे ही राजमहल की तरह क्या लग रहा है। तो गाइस देखते रहो यार, मजे करो, एंजॉय करो, और मैं तो कर ही रहा हूँ और आप भी करते रहो। तो गाइस यार फुल एंजॉय कर रहा हूँ फिलहाल, और एंजॉय ऐसा होना चाहिए और आप भी करो यार गाइस। हाँ ऊपर देख लेंगे ना। तो गाइस ये सब फोटोशूट कर लिया है मैंने, नहीं करा मैं वही फोटोशूट करके और आपको अंदर का माहौल। तो यार इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ फिलहाल देखते रहो यार, माहौल में पूरा दिखा रहा हूँ आपको। तो गाइस एक खासियत है यहाँ पे तो आपको यहीं से मैं ताजमहल दिखाने वाला हूँ। हे साइलेंट। तो गाइस यहाँ से भी ताजमहल दिखता है, दिख ही रहा होगा आपको। कुछ ही देर बाद हम इसी लोकेशन पर होंगे, पर इस जगह का ब्लॉग अलग पार्ट में आएगा। तो गाइस बने रहे इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। क्या प्यारा सीन है। तो गाइस चेक कर रहे हो यार कैसा लगा आप सबको। यहाँ पर राजा के कहीं शिलालेख लिखे हुए हैं फिलहाल, हम शिलालेख को देखेंगे। पर जो माहौल अभी दिख रहा है उस माहौल को मद्देनज़र रखते हुए हमारे कोर्ट में ये फैसला किया गया है कि हमें पब्लिक को हमेशा अच्छे से पढ़ के अच्छे से अच्छे ब्लॉग ला के देना है। तो गाइस चेक करो यार क्या प्यारा सीन है। फिलहाल मैं आपको रेनिंग के पास भी ले जाने वाला हूँ। रोशन आरा, अच्छा जिसमें से रानी आपने राजा को देखती थी कि भाई कहाँ पर युद्ध हो रहा है, युद्ध नहीं हो रहा, वो रोशन दारा ऐसे होता था और यहाँ से देखा जाता था कि कहाँ पर युद्ध हो रहा है नहीं हो रहा। अच्छा दिख रहा दिखने में यहाँ से, पर मोबाइल के कैमरे में नहीं दिख पा रहा होगा। दिखा भाई, कोशिश कर रहा हूँ यार खुद दिखाने की। तो गाइस चेक करो यार कितना प्यारा सीन है, दिखा दिया मैंने आपको ताजमहल यहाँ से। फिलहाल वो अगले ब्लॉक की लोकेशन होगी और अगला ब्लॉक पार्ट टू के अकॉर्डिंग होगा, पार्ट टू की तरह होगा। तो गाइस आज का ब्लॉग थोड़ा और है पर इतना ही रहेगा फिलहाल यार, इधर कुछ है वो भी दिखाता हूँ आपको। तो गाइस ये है बिल्कुल कांच के अंदर पैक, इसमें मेरी शक्ल दिख रही होगी आपको। और फिलहाल मैं इसके अंदर एक और चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। तो ये है गाइस लाल चंदन की लकड़ी का गेट जो कि आज भी आगरा के फोर्ट में है। तो गाइस ऐसे हुआ करते थे पहले के ज़माने में, गेट जो मेन द्वार होता था ऐसे हुआ करता राजा राजा का। तो गाइस देखे देखते रहो यार, काफ़ी शिलालेख है यहाँ पे। तो गाइस देखो यार क्या प्यारा सीन है, और सामने देख रहे हो आप। ये बाहर से आए हैं लोग, इन्होंने एक अपना गार्जियन रखा है जो कि इस मेल की खूबियाँ बताता है। एक समय पे यहाँ पे भी एक कहानी बनाई जाएगी वो मैं बना देता हूँ फिलहाल। तो ये है राजा का खास महल। जहांगीर बाबा का खास महल है। हुमायूं
जाके बाबा सब सब सारे सारे मिलते हैं, सबके कुछ ना कुछ निशाने हैं। अरे इसकी डिजाइनिंग कैसी की हुई यार, देखना कितनी प्यारी डिजाइनिंग की है। इनके हाथ ही कटा दिए होंगे ताजमहल बनाने वाले के हाथ कटवा दिए। गाइस देखते रहो यार, बने रहो ब्लॉग के साथ। फिलहाल हमें अंकल जी मिले, इनसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा जी। अंकल अरे हो गया क्या तुम्हारा फोटोशूट? देखना गाइस के मजा आएगा। ओ माय गॉड, राहुल भाई। अरे नीचे कोई तो देख नहीं रहा ना। अरे ताजमहल दिख गया, ताजमहल दिख गया। तो गाइस देखते रहो यार, बने रहो ब्लॉग के साथ। तो गाइस आप सबको कैसा लगा यार आज का ब्लॉग? काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। तो गाइस देखो यार, ये राजा महाराजा के पहले की बहुत ही असीम कृपा की वजह से इतनी शानदार डेकोरेट किया गया है। फिलहाल इसी पूरी मतलब जो पूरा रेप फोर्ट है, इसके अंदर काफ़ी अलग ही अलग तरीके की जो बोला जाता है। कोई नीचे की तरफ दिख रहा है, ये जो गेट लगा हुआ है ये जेंट्स की जेल हुआ करते थे एक टाइम पर, और इस सेम यही उधर की साइड है वो लेडीज जेल हुआ करती थी। और जो आपको सामने जी दिख रहे होंगे मेल टाइप में सर्कल के नीचे की तरफ के, यहाँ पर राजा की दासियाँ रहती थी। दासियाँ आप काम करो चेंज करो यार, मैंने दासियाँ बोला जे कल पार्ट वन में इतना ही है, पार्ट टू का इंतजार करना। तो गाइस मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना।